कर ले एक बार. नो दी, आप आपके स्टेप्स से फोकस कीजिए. आई एम गुड, आई नो माय स्टेप्स. The one in the foreground is trying too hard to impress, while the one in the background is an absolute beauty and natural. Another comment. Why is Juhi always in the forefront? She should sometime allow her sister in the forefront as well. Juhi, कुछ लोगों को ना लोगों के माइंड के साथ खेलने को अच्छा लगता है. Best thing is just ignore them. कुछ फिर से लेट. आधे से ज्यादा टाइम अगर तुम तैयार होने में लगाओगी तो लेट तो होना ही है. चलो मैं नाश्ता यहाँ लेके आई हूँ, फटाफट कर लो तैयार होते होते. रोज इतने मेस में कैसे रह लेती हो? रोज साफ करती हूँ, फिर वही. मैं रोज क्लीन करती हूँ, फिर वही. दी, मुझे ये सब आपको देखना बिल्कुल नहीं पसंद. रोज नाश्ता लेके आना, घर की साफ सफाई करना. आप एक ग्रेजुएट हो, डू समथिंग इन लाइफ, बी अ गो टू गर्ल, एम्बिशियस बनो, सक्सेसफुल बनो. ये सब के लिए लोग मेड रखते हैं. चलो इस बार पे एक रील बनाते हैं. अब ये लाइट अच्छी नहीं आ रही यहाँ पे. हाय गाइस, सो वी आर बैक. देख ले आंखों में आंखें डाल, सीख ले पल भर में जीना यार, सोच ले जीवन के पल है चार, याद रख मरना है एक बार, मरने से पहले जीना सीख ले. सो आखिर ग्लो को मुझसे इतनी जलन क्यों है? For once, why can't they accept my talent? जो तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों के कमेंट्स को सीरियसली मत लिया करो. आप तो कुछ नहीं बोलो तो बेटर होगा. जस्ट लीव मी अलोन, मुझे आपकी फेक कंसर्न की बिल्कुल जरूरत नहीं है. They are just comments, Juhi. How does it matter to us? How does it matter? It matters to me. मेरे दोस्तों, मेरे फॉलोअर्स, मेरे कमेंट्स, एवरीथिंग मैटर्स टू मी. यू डोंट नो. ओके, ये सही नहीं है ना बेबी. ये लोगों को कुछ नहीं पड़ी है, वो लोग कुछ भी लिख बोल देते हैं. यू नो आजकल ट्रोलिंग हैज बिकम अ ट्रेंड, इट्स इन फैशन. लोगों का काम ही है टू अपसेट पीपल. सो तुम उनको जितना अपीस करने की कोशिश करोगे, वो लोग तुम्हें उतना ही टीज करेंगे. इट्स लाइक अ गेम फॉर देम. सो द बेस्ट थिंग इज जस्ट इग्नोर देम. इग्नोर देम आपके लिए तो बहुत आसान है ना बोलने के लिए दी, क्योंकि आज तक आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि ट्रोलिंग कैसे किया जाता है और कैसे होता है. यू डोंट नो हाउ मच इट मीन्स एंड हाउ मच इट हर्ट्स. सो इट्स बेटर इफ यू स्टे आउट ऑफ इट. Just leave me alone, okay? Please. What do you think? मैं किस में ज़्यादा सबसे hot लगूँगी? इस पे या इस पे? Baby, you don't have to work so hard. Just be yourself.
बी रियल. तो अब तुम्हें भी लगता है दैट आई एम फेक एंड आई एम नॉट रियल. नो आई एम नॉट सेइंग दैट. ऑफ कोर्स यू आर रियल, पर तुम वो बनने की कोशिश करो जो तुम नहीं हो. दैट्स नॉट यू. और मैं यही समझाना चाहती हूँ तुम्हें. राइट. इसलिए आप सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद घर पे बैठी है, बेकार बैठी है, और मैं आपसे सबसे ज़्यादा काम करती हूँ. राइट. मैं बेकार नहीं बैठी हूँ. फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, पर मैं देख रही हूँ. आई टोटली अंडरस्टैंड. आप देख रही हैं, पर कभी सोचा आज तक आपको जॉब क्यों नहीं मिला? अपने देखने का नज़रिया चेंज करो बेबी. दुनिया इतनी टिपिकल नहीं है, यू नो. दुनिया ये भेंजी भेंजी टाइप्स को एक्सेप्ट नहीं करती. एक आधा लाइक्स क्या मिल गए इंस्टा पे, एक दो कमेंट्स क्या मिल गए, आई अंडरस्टैंड एंड इट्स फाइन. पर ये अपने आइडियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकली है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनी है. एनीवेज आई थिंक आई विल बी स्लेइंग इन दिस लुक. व्हाट डू यू थिंक? नमस्कार, मैं शूरवीर त्यागी गुनाह के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं. आज की कहानी है दो सगी बहनों रूही और जूही की. जूही लाइफ को कंपटीशन की तरह देखती थी, हार उसे बर्दाश्त नहीं थी. बचपन से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा उसके मन में घर कर गई थी. जब भी उसे बचपन में कहा जाता, देखो अपनी बड़ी बहन की तरह बनो, वो कितनी मेहनती, वो कितनी सलीके से रहती है, वो कितनी समझदार है, ये बातें उसके दिल में किसी नश्तर की तरह चुभती. और धीरे 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 कैसे उसने अपनी बड़ी बहन को अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी बना लिया, उसे पता ही नहीं चला. ये छोटी सी भावना जो जलन थी, ईर्ष्या थी, इसका बीज जमीन के अंदर कहीं दफन था, कैसे बढ़कर वट वृक्ष बन गया, और जिसकी अंधेरी छाया इन दोनों की जिंदगी पर पड़ी. आइए आगे की कहानी में देखते हैं. वी आई बी लेट आउट टुनाइट, और आज रात को मेरा डेट हमारे घर पे ही रहेगा. सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ योर बिजनेस बिकॉज़ वी गोना प्ले गेम्स. या गेम्स, you know, Ronnie likes to play a lot of games. Naughty games. Lot of naughty games. से मने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से दिल बहलता है मेरा. इंतहा हो गई मेरे यार की, कुछ खबर मेरे यार की. इंतजार हो गई मेरे यार की, ना कुछ खबर. दी बेबी, मैं कब से वेट कर रहा हूं.
रोज नए नए लड़कों को डेट करना। आई वांट टू सेटल डाउन विद समवन। ओ दी, दुनिया में इतने सारे सैंपल हैं, तो मैं हर चीज ट्राई करना चाहती हूँ। टिल द टाइम जूही फाइंड्स द वन व्हिच इज बेस्ट फॉर हर। लड़के कपड़े नहीं हैं कि तुम उन्हें रोज रोज बदलती रहो। पर जूही के लिए तो है, आज पहना कल फेंक दिया, आज यूज किया कल ट्रैश किया। Sorry, I didn't mean to startle you. Please don't be. Wasn't your fault. I was just lost. तुम्हारा हाथ तो नहीं जला ना? नहीं नहीं, I'm fine. थ्री इन द मॉर्निंग, आपको भी नींद नहीं आती? हाँ, कभी कभी मुश्किल हो जाती है जब बाजू वाले रूम में जागरण चल रहा हो। आई एम सो सॉरी, वर वी दैट नॉइजी? नहीं, आज तो भी काफी शांति थी। कभी कभी इतनी धमा चौकड़ी मचती है कि सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसा लगता है कि मैं बेडरूम गेम्स पे बुक लिख डालूं। Well, you must. Someday. Maybe. Someday. I mean, who knows? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? I mean, are you not into bedroom games? Not really. मेरी एक प्रॉब्लम है। No, no, not that kind of a problem. उस फ्रंट पे I'm a killer. I mean, I'm all good. As in, full control. You don't have to justify so much to me. नहीं, मैं justify नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस clarify कर रहा हूँ ताकि कोई confusion ना रह जाए. Okay, आप I am trying to justify things. मेरी प्रॉब्लम है मेरा गोल, my dream to have my own agency someday, world की number one agency. जब तक मैं ये गोल अचीव नहीं कर लूँगा ना, एक बेचैनी सी है जो नहीं जाएगी। आई नीड टू हैव दैट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि आई हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ एंड आई नीड इट राइट नाउ। मुझे नींद नहीं आती है, पता है, और जब तक मैं ये गोल अचीव नहीं कर लूंगा, मुझे लगता नहीं मैं सो पाऊंगा। आई हैव बिकम एन इंसोमनियाक। That's not good. I mean, it's great to have a goal. I mean, there are so many people जिनको अपने goal के बारे में पता भी नहीं होता है क्या है. At least you have that clarity. But that doesn't mean कि तुम पूरी दुनिया को भूल जाओ और सिर्फ तुम्हारे goal पे focus करो. There's a method to it, right? So, simply just ignoring the world and just focusing on one thing, I don't think that's how it should be. तुम्हें तुम्हारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना होगा। आई मीन, तुम्हें सोना होगा और मेहनत करो पूरे फोकस और कमिटमेंट के साथ, फिर तो क्या, गोल तो तुम्हारे सामने होगा।
I'm sorry, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और सब बोलने लगी. आज तक किसी ने इतने अच्छे से समझाया नहीं जैसे आपने. तुम्हें इतने मॉडस्ट होने की ज़रूरत नहीं है रौनक. रूही, मैं और जूही सेम फॉर्म में. आई नो. जूही ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने उसे काफ़ी हेल्प किया ऑफिस में और यू हैव स्टूड बाय हर एट टाइम्स. वेल, शी इज़ अ फायरी गर्ल. आई मीन वेरी एम्बिशियस, बट आई मस्ट से एट टाइम्स शी डज गो ओवरबोर्ड, बट दैट्स जस्ट हर राइट. दैट्स व्हाई शी इज सो मच फन. सो यू आर विद हर जस्ट फॉर फन? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था. तो क्या मतलब था? भगवान, कहाँ फंस गया मैं दोनों बहनों के बीच. एक कम थी जो दूसरी पीछे पड़ गई अब. हेलो, कौन पीछे पड़ा है तुम्हारे? मेरा वो मतलब नहीं था. अरे क्या ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था बार बार. I mean, इतनी भी धक्कन नहीं हूँ मैं, थोड़ा कॉमन सेंस है मेरे में. I'm sure you do. No, but seriously, जुही को लेके ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने. राधा, हमने हमें एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है. We like hanging out together. That's it. You know ना, you know the only one जिसके साथ जूही को हैंग आउट करना पसंद है. And that's the best thing about her. वो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती. You know, खुला रहना चाहती है, आजाद. तुम्हें भी खुला रहना पसंद है? I mean, तुम्हें भी आज़ादी पसंद है? आज़ादी किसे नहीं पसंद, बट आई लाइक कमिटमेंट्स. आई लाइक द फीलिंग टू बी कमिटेड टू समवन, समवन कमिटेड टू मी. आई गेस दैट मेक्स मी फील सिक्योर, दैट मेक्स मी फील वांटेड. तुम्हें नहीं लगता कि तुम तुम्हारा ही स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो? आई मीन, अगर तुम्हें यही चाहिए तो फिर तुम जूही के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? सो दैट आई गेट टू मीट हर अमेजिंग सिस्टर एंड हैव अ नाइस प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन एट 3 इन द मॉर्निंग. ऑल्सो यू कांट से नो टू जूही. व्हेन शी वॉन्ट समथिंग शी विल हैव इट. Why don't you join us on our next date? That will be fun. No, I don't think that's a good idea. And मैं तुम्हारे वो school group में fit नहीं होती हूँ. Come on यार, इतनी भी judgmental मत बनो. एक बार आओ तो सही. Your whole idea will change. But I don't want to change my idea. मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ. What? जस्ट वॉन्डरिंग, दो सगी बहनें एक दूसरे से इतनी अलग कैसे? क्यों, इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था. मैं फिर से तुम्हारा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था. अरे तुम लोग तो पार्टी जाने वाले थे ना, इतने जल्दी कैसे घर आ गए? इस इडियट को पूछो, ये बोल रहा था घर चलते हैं, घर चलते हैं, घर पे पार्टी करते हैं, घर पे पार्टी करते हैं. अब बताओ, घर पे कोई पार्टी करता है? अरे मैं बताता हूँ ना डार्लिंग, होम एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं. लेट्स पार्टी.
wanna marry you. See, तुम हमारे साथ पार्टी में नहीं आई तो मैं पार्टी घर ले आया. तो तुम्हारे पहले से प्लान था. और नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होगा. नहीं चली तो नॉट कंप्लेनिंग. दो तुमसे तो बच के रहना पड़ेगा मुझे. मेरे चांस से बचना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है. रियली ट्राई मी बेबी. यू विश. लिसन विल यू वेट फॉर मी. बाद में मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है. सो बाद में क्यों अभी क्यों नहीं. क्योंकि वेट फॉर मी प्लीज स्टे. कुछ इंपॉर्टेंट बात है. तो Don't fall in this trap. Hey, last time तुमने डराया था ना. Now we are even. तुम हमेशा ऐसे ही घूमते हो. निकाल दूँ क्या. I mean change कर लूँ. बकवास बंद करो. मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ बात करनी थी. क्या बात करनी थी. तुमने तो कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है. ओह यस. सीधा मुद्दे की बात है. पहले थोड़ा कॉफी वॉफी बनाई जाए. थोड़ा माहौल बनाते फिर कर लेंगे बात. ऐसे बहुत फॉर्मल हो गया. नहीं ठीक है मैं कॉफी बनाती हूँ. नो आई विल मेक द कॉफी because I really make a good one. Okay. अगर आप ऑमलेट बना सकते हो so that would be great. बहुत जोरों की भूख लगी यार. तुम्हारी बहन oh boy so demanding and mean at times. हालत खराब हो जाती है यार. तुम्हें इतने private और personal बातें करते वक्त शर्म नहीं आती. बिल्कुल नहीं. Doesn't she discuss me with you? जूही तो बोल रही थी वो अपने सारे बॉयफ्रेंड्स की सारी बातें तुमसे डिस्कस करती है. मैंने पूछा इवन द इंटीमेट वंस. She said एक एक डिटेल्स. अब तुम ही बताओ जब तुम्हें इतनी सारी डिटेल्स पता ही है तो एक आधी डिटेल्स मैंने भी जोड़ दी. क्या गलत किया माय लॉर्ड. तुम में कुछ कम नहीं हो. कुछ ज्यादा ही फास्ट हो. Boyfriend. Because everybody has one. ऐसा किसने कहा? क्यों ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है. तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हारा boyfriend नहीं है. मेरा boyfriend इसलिए नहीं है because I don't want to have a boyfriend. Not because I don't have a boyfriend. Didn't mean to offend you. I was just being curious. Don't be. यही बता दो व्हाई डोंट यू हैव अ बॉयफ्रेंड. अरे यार तुम ये बॉयफ्रेंड के टॉपिक पे क्यों अटके हुए हो. और ये क्या सवाल है. क्यों अरे मैं पूछ रहा हूँ. तुमसे पूछ रहा हूँ. पूरे हक से पूछ रहा हूँ. किस हक से पूछ रहे हो तुम. दोस्त के हक से. दोस्त कहलाने का हक तो है ना मुझे. हाँ अगर नहीं होता ना तो रात के 3 बजे मैं तुम्हारे लिए अंडे नहीं बना रही होती. पॉइंट.
No, I really want to know. What is it that you are looking in a man? Because you are everything I'm looking in a woman. What do you mean? What I mean is, अगर मुझे पता चल जाए that I'm your kind of a guy, मैं immediately तुम्हें life long के लिए propose कर दूँगा. Are you kidding me? तुम जूही के boyfriend हो. तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ किसी और type का affair करूँगी? मैं जूही का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, हम बस डेट कर रहे हैं. रिमेंबर तुमने कहा था आई एम नॉट दी ओनली वन. सो अभी तुम्हें भी उसकी तरह और लोगों के साथ, नहीं नहीं नहीं, उसकी सगी बहन के साथ फन कर. तुम्हें वाकई लगता है मैं ऐसा चाहता हूँ? हाँ, तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है. सही लग रहा है. बट तुम्हारी बहन और मुझ में ना एक फर्क है. आई एम वन वुमन मैन. एक टाइम पे ना मैं एक ही से कमिट करता हूँ. इतना इजी है ना तुम लोगों के लिए? एक रिलेशनशिप से निकलो, दूसरे में घुसो, राइट? और क्या, हम आजकल के जनरेशन ना चीजों को एकदम सिंपल रखते हैं. यू डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. जो मन में आया बोल दिया, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यू नो. तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे जनरेशन की नहीं हूँ? यू आर बीइंग एन एक्सेप्शन ऑफ कोर्स. सो क्या बोलती हो? क्या बोलू? Am I your kind of a guy? Do you think about me? Do you fantasize me? Stop. Do you miss me when I'm not around? Can you please stop? Just say it then. See, if you don't stop, I'll go. No, you won't. I will. I won't let you go. Please, zabardasti nahi kar sakte. Zarurat padi to kyun nahi? तुम्हारी इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती. डीएम सारी शर्त मंजूर है, छोड़ो. श्योर? I mean, do I have any other choice? Sorry, what? Okay, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, प्लीज छोड़ो मुझे. छोड़ो ना मुझे. पहले मेरी शर्त तो पूरी करो. बी क्रेजी रौनक, ये क्या मनमानी है? I think I'm in love with you. I love you. मुझे तुमसे उसी रात से प्यार हो गया था जब हमारा पहली बार कॉन्वर्सेशन हुआ था. इनफैक्ट उससे पहले भी जब मैंने तुम्हारी रील देखी थी जूही के साथ, मैं तुमसे मिलना, तुम्हें जानना चाह रहा था. मैंने कमेंट भी किया था कि तुम हमेशा बैकग्राउंड में क्यों रहती हो, सामने क्यों नहीं आती. तुम थे? जूही ने मुझे कन्फ्रंट भी किया और तब भी मैंने उसे यही कहा, शी शुड अलाउ यू टू लीड समटाइम्स. फिर उसने क्या कहा? यही कि तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते आगे आने के लिए, खुद का जज्बा होना चाहिए उसमें. एंड आई अग्री विद हर, क्योंकि अभी भी तुम जूही के पीछे खड़ी हो रही.
अपनी फीलिंग्स को सामने नहीं लाने दे रही हो अभी भी. जस्ट एक्सेप्ट इट, यू हैव फीलिंग्स फॉर मी. डोंट बी क्रेजी रौनक, हमारे बीच में दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डैम इट, तुम जूही के बॉयफ्रेंड हो. तुम जिसे सो कॉल्ड डेट कर रहे हो वो मेरी बहन है, मेरी सगी बहन. मतलब यू डू लाइक मी? मतलब अगर मैं जूही को डेट नहीं कर रहा होता तो तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? अगर मैं और जूही सेपरेट हो जाए सो यू वोंट माइंड गेटिंग इन अ रिलेशनशिप विद मी, राइट? यू आर रियली गेटिंग आउट ऑफ माई माइंड. अगर तुम और जूही सेपरेट हुए तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता क्यों रखूं? अगर जूही को इससे प्रॉब्लम ना हुई तो क्या? इफ शी डजंट हैव एनी ऑब्जेक्शंस विद इट, इनफैक्ट आई थिंक वो तो खुश होगी कि फाइनली उसकी बड़ी बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड है. तुम लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है? रोहित, तुम कब तक अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखोगे यार? जस्ट एक्सेप्ट इट मैन. तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. रियली? यस. अभी तक की कहानी में आपने देखा कि एक नए किरदार की एंट्री हो चुकी है, रौनक. रौनक जो एक तरफ जूही को डेट कर रहा है और दूसरी तरफ जिसका कंफर्ट लेवल रूही से बढ़ता ही जा रहा है, और धीरे 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 कैसे ये कंफर्ट लेवल प्यार में बदल जाता है. अब देखने वाली बात ये है कि रूही आज फिर अपने प्यार का गला घोंट देगी, आज फिर अपनी खुशियों को जूही के आगे न्यौछावर कर देगी. लेकिन उससे भी बड़ी बात, जूही जो लड़कों को आज यूज किया कल ट्रैश किया की तरह इस्तेमाल करती है, और दूसरी तरफ रूही को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर समझती है, जब उसे इस बात का पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी. लेकिन उससे भी बड़ी बात, रौनक क्या इन दोनों बहनों के बीच एक प्लेबॉय की तरह खेल रहा है, या उसका प्यार रूही के लिए सच्चा है? आइए देखते हैं आगे की कहानी में. आई थिंक तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर रही हो. स्ट्रेच नहीं करूंगी तो मसल्स कैसे बर्न होगी दी? तो ये तो एक्सरसाइज का फायदा है. मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ. ये रोज रोज अलग अलग डेट पे जाना, आई थिंक यू शुड स्लो इट डाउन अ बिट and settle down with one guy. तो आप बताइए, आप तो मेरे सारे दोस्तों से भी मिल चुके हैं. What do you think? Who's the best compatible man for me? ये मैं कैसे बता सकती हूँ तुम्हें? I mean, मैं आपसे suggestion मांग रही हूँ, आपको थोड़ी ना कह रही हूँ date करने. वैसे भी डेटिंग शीटिंग आपकी बस की बात नहीं है. तो बताइए, हु इज द बेस्ट कंपैटिबल मैन फॉर मी? रौनक, आपको उसके बारे में क्या लगता है? मतलब जब आप उससे मिलती हो, देखती हो, आपके तो काफ़ी इंटरेक्शंस भी रहे हैं उसके साथ, दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है. So tell me. अच्छा है, ही इज़ अ नाइस गाय. तुम्हारे बाकी दोस्तों से थोड़ा अलग है. जो लोग सब वन नाइट स्टैंड में हैं तुम्हारी तरह, वैसे तो नहीं है वो. ही इज़ वेरी मैच्योर, ग्राउंडेड है, काफ़ी फोकस्ड भी है अपने करियर पे. अगर तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो तो प्लीज डोंट गिव हिम फॉल्स होप्स.
आई थिंक यू शुड कीप हिम आउट ऑफ योर लाइफ. थोड़ा तो खेलने दो मुझे. इतने दिनों बाद एक अच्छा लड़का मिला है, इसको तो मैं निचोड़ के ही छोड़ूंगी. पर तुम ऐसे क्यों कर रही हो उसके साथ? Because I like it, my love. वो क्या है ना, जब मैं लड़कों के मेल ईगो को ब्रेक करती हूँ ना, I feel empowered. You know, I feel empowered. Just like exercise. वैसे भी वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही देशाना समझता है. उसको तुम्हें सबक सिखा के ही छोड़ूंगी. पर मुझे लगा तुम्हें वो सच में पसंद है, इसलिए तुम उसके साथ हैंग आउट करती हो. प्लीज़, मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं पसंद जो मुझे मेरी फेस पे क्रिटिसाइज करे. ये तो अच्छी बात है राइट, कि वो तुम्हें मुंह पे क्रिटिसाइज करे और पीठ पीछे नहीं. यू शुड रादर टेक इट पॉजिटिवली. पॉजिटिवली तो ले रही हो दी, इसलिए तो मैं खुद घूम रही हूँ और उसे घुमा रही हूँ. मतलब ये सब तुम उससे सिर्फ बदला लेने के लिए कर रही हो? जस्ट बिकॉज उसने तुम्हारे रील्स पर फेवरेबल कमेंट्स नहीं किए? ओफो दे, डोंट वरी, मैं उसको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस. चलो, आई थिंक हमने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर लिया है. स्ट्रेच मैं कर रही हूँ, तुम? मैं एक्सरसाइज की बात कर रही होती. हेलो, अब कहाँ खो गई? हेलो, मैं जूही से और आपसे मिलने आया था. जूही? लेकिन मैं जूही को बताना चाहता हूँ कि मैं आज के बाद उससे नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं आपसे, उसकी बड़ी बहन से प्यार करता हूँ. जिसने इस रिश्ते को कभी एनकरेज नहीं किया, क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन को डेट कर रहा था और वो उसे बिट्रे या हर्ट नहीं करना चाहती थी. इनफैक्ट मैं ही शुरू से तुमसे अट्रैक्टेड था और आई इनिशिएटेड ऑल ऑफ दिस. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी. मैं ये बात तुम दोनों की प्रेजेंस में कहना चाहता हूँ, ताकि मेरी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे तुम दोनों के बीच. जूही घर पर नहीं है? पर नहीं है. तुम अंदर आ जाओ, तुम दरवाजे पे क्यों खड़े हो? I'm sorry, मैं ऐसे बिन बताए आ गया. I should have called or texted. नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है. I'm actually really happy कि तुम आए. I mean, I'm glad you're here. Please sit ना, मैं कुछ लाती हूँ तुम्हारे लिए. Actually, तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कल की बदतमीजी के लिए. I'm sorry. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद गलती मेरी ही थी. मेरी ही किसी बिहेवियर की वजह से तुम्हें कुछ रॉन्ग हिंट्स मिले होंगे. डोंट ब्लेम योरसेल्फ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है. आई नो तुम इसलिए बोल रही हो ताकि मुझे गिल्टी फील ना हो, बट यू डोंट हैव टू डू दैट. सॉरी,
मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से थप्पड़ मारा, राइट? हाँ, जोर से तो लगा काफी, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अभी तक गाल दर्द कर रहा है यार, पर थप्पड़ से ज्यादा दर्द मुझे उस बात से हुआ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। नहीं, उस बात से कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया आउटराइट। थप्पड़ का क्या है, वो तो होते ही जड़ने के लिए, मौका मिला जड़ दिया। पर ये दिल, इस दिल का क्या करूं जब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आई नो तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, या ट्रस्ट मी, मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी इतना सीरियस नहीं हुआ जितना आज हूँ। ये सब बातें सुन के तुम्हारा एक और थप्पड़ मारने का मन कर रहा होगा, एंड दैट्स ओके, मैं वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। पर तुम मुझे तुमसे प्यार करने से रोक नहीं सकती। मे बी आई डोंट डिजर्व यू, बट जो भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा ना, यू बी द लकीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। Like you, I do miss you when you're not around. I do fantasize about you, about us. Kya fantasize karti ho? Tum paida hi besharam thi, aaj kuch special hai. Born besharam baby, batao na, kya fantasize karti ho? तुम्हें ये बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझती। बोलो glad we met. और मेरी कल की गलती को मैं माफी चाहती हूँ। So now that that's done, मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम अब से अकेले नहीं मिलेंगे। क्या? क्यों? अब तुमने कन्फेस कर दिया है एंड वी बोथ नो वी हैव फीलिंग्स फॉर इच अदर, तो दो प्यार करने वाले एक दूसरे के करीब आते हैं यार, दूर थोड़ी जाते हैं। जानती हूँ, पर हमें एक दूसरे को वक्त देना होगा, चाहे कुछ भी हो। मेरी बहन तुम्हें डेट कर रही थी, डेट कर रही है, शी स्टिल डेटिंग यू, और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। शी वोंट बी एबल टू हैंडल दिस, वो पर्सनली ले लेगी और गुस्से में आके पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। प्लीज थोड़ा टाइम और देते हैं हम इसे। और एनीवे शी इज नॉट सीरियस अबाउट यू, सो लेट हर फ्लश यू आउट ऑफ हर सिस्टम, और जब राइट टाइम आएगा तब हम उसे बता देंगे। पर इसके लिए हमें दूर रहना क्यों जरूरी है? एटलीस्ट चुप चुप के तो मिल सकते हैं ना। नहीं 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 नहीं, मुझे ये आइडिया बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है, प्लीज। चुप चुप के किए हुए हरकतें ना, दे नेवर एंड वेल। और तुम्हें क्या लगता है, हम ऐसे मिलते रहेंगे तो हम और करीब आएंगे, राइट? हमारे लिए और डिफिकल्ट होगा जूही से ये रिलेशनशिप छुपाना। सो नो प्लीज, आई थिंक लेट्स स्टिक टू दिस, हम नहीं मिलेंगे, ओके? वी विल वेट। और इस दौरान हमारे बीच सच में दूरी आ गई, फिर तो ये रिश्ते का मतलब ही क्या था? देन आई डोंट थिंक वी डिजर्व ईच अदर। आई थिंक इट्स गुड इन अ वे, बिकॉज इससे हमें पता चलेगा हमारे फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कितने ट्रू है। सो लेट्स डू इट, हम यही करते हैं। आई कांट डू दिस,
यार तुम एक बंदे को उसकी फीलिंग्स डिप्राइव करने के लिए बोल रही हो, किसी दूसरे की फीलिंग्स अपीज करने के लिए, दैट्स अननेचुरल यार, दैट्स नॉट फेयर। पर हमें करना होगा ये, प्लीज। अगर तुम चाहते हो ना कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो दिस इज द ओनली वे दैट आई कैन थिंक ऑफ, ट्रस्ट मी। नोटिस कर रही हूँ तुम बहुत अकेले अकेले रह रहे हो आजकल, ना ड्रेसअप हो रही हो, ना लेट नाइट्स जा रही हो, ना बॉयफ्रेंड्स के साथ डेट पे जा रही हो, और ना ही रील्स बना रही हो। सब ठीक है ना? बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट यू। इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई थिंक मुझे वायरल हो गया है दी। वायरल? तुम्हें बुखार है? नहीं, वो वाला नहीं, गंदा वाला वायरल। गंदा वाला वायरल? हाँ, वो ही जो सबको होता है। तुम्हें कोविड हुआ है? नहीं दी, I think I've fallen in love. You have fallen in love. किसके साथ? वही, सेम इडियट जॉनक। अपने आप को क्या समझता है? कैन यू बिलीव इट? उसने मुझे रिफ्यूज किया। कैन यू इमेजिन? ही रिफ्यूज मी, मी। आज तक नो गाय हैज रिफ्यूज मी, बट ही जस्ट डिडंट रिफ्यूज मी वंस, ट्वाइस, बट आई थिंक ही अवॉइड्स मी। मैं जितना उसके करीब जाना चाहती हूँ वो उतना मुझसे दूर भागता है। ऐसे लगता है आई एम द कोविड टू हिम। कैन यू बिलीव इट? मुझे इसकी इस बिहेवियर को हेट करना चाहिए। आई शुड बी मोर हेटफुल टुवर्ड्स हिम। I'm not only just going desperate about him, but more crazy and mad about him too. I think I deserve this. मैं यही deserve करती हूँ, यही मुझे सीधा कर सकता है। He's the perfect match for me. I have finally found my match. दी, दी, कहाँ खो गए आप? तुमने सुना मैंने क्या कहा? आप कहती थी ना कि मैं सेटल हो जाऊँ। लो, हो गई मैं सेटल। दी, तुम खुश नहीं हो? चलो आज ना हम एक सेक्सी सरील बनाते हैं। लेट्स सेलिब्रेट। व्हाट डू यू थिंक? रौनक को पता है किस बारे में?
मेरे फीलिंग्स के बारे में? I guess so. और अगर नहीं भी पता है तो पता करा लेंगे. I thought you hated him. You were very casual about him. Yeah, initially I was, and I think initially to sab casual hote hai. Then you get to know someone, and then you realize things. And I'm glad that I realized my feelings for Ronak. I never knew thi ki pyar aisi hoti hai. I'm so happy. Okay. I mean, it's so beautiful. बहुत different feeling है ये, you know? क्या रौनक को भी तुम्हारे लिए same feelings है? मतलब? अब क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? I mean, वो तुम्हें casual date की तरह तो नहीं treat कर रहा? दी, how does it matter? मैं रौनक से प्यार करती हूँ. ये काफी नहीं है. नो नो, इट्स ग्रेट कि तुम उससे प्यार करती हो, पर कोई भी रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए ना दोनों साइड से प्यार होना बहुत जरूरी है, वन साइड नहीं. यू आर करेक्ट. तो मैं ना आज ही रात को रौनक से अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस कर देती हूँ. व्हाट से? आई एम श्योर वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा. What do you think? I don't know. I wish not. I'm very happy for you. Dekhna, main uske liye itna special karungi, itna special karungi, wo kabhi mujhe bhul nahi payega. I'm so glad. How are you? I'm good. तुम कैसी हो? I'm great. मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी actually. Yeah, tell me. मैं कल रात से रौनक को फोन लगा रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा है. फोन नहीं उठा रहा? नहीं, पता नहीं, फोन भी स्विच ऑफ है उसका.
तुम्हें पता है वो कहाँ होगा? आज तो उसने ऑफिस से भी लीव ले रखी है, शायद घर पे होगा। राइट, तुम्हारे पास क्या एड्रेस है या कुछ है? इट बी ग्रेट यू नो। अभी फिलहाल तो नहीं है, बट आई कैन फाइंड इट आउट फॉर यू। ओके, थैंक यू, मिलते हैं। जुई चलो नाश्ता कर लो। आज तो मैं उसको कन्फ्रंट करके ही रहूँगी। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, इतना मुझे ह्यूमिलिट आज तक किसी ने नहीं किया दी। जुई वो बिजी होगा किसी काम में, उसे थोड़ा वक्त दो। क्यों, आपको बड़ा पता है वो कहाँ बिजी होगा कहाँ नहीं? हाँ, बड़ा इन्फॉर्मेशन है आपके पास इसकी, आपके टच में है क्या या अपनी स्केड्यूल वो आपसे शेयर करता है? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ है? मेरा भी फोन नहीं उठा रहे हो, जूही भी फोन कर रही है तुम्हें कब से? मेरा फोन इसलिए स्विच ऑफ है क्योंकि जूही पता नहीं कल से अनाप शनाप मैसेजेस भेज रही है। आई थिंक वो पूरी पागल हो गई है। वो सब छोड़ो, जूही को तुमसे प्यार हो गया है। व्हाट? वो तुम्हारे प्यार में पूरी पागल हो गई है। उसे रियलाइज हो गया है कि प्यार क्या होता है, एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग वन कैन हैव। तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये जूही को मुझसे कब से प्यार हो गया? मैंने कहा था ना तुम्हें, जूही को सब सच बता देते हैं, फंस गए ना अब हम। She thinks she's in love with me. Now what, Rui? Is this what you wanted? और कितने दिन, महीने, साल you want me to wait? उसके बाद how you'll explain all this? कि जिससे उसकी बहन को प्यार हुआ, जिसने उसे इग्नोर किया, उसी से तुम्हें प्यार है। तब हर्ट नहीं होगा उसे? जवाब दो रुई। मुझे नहीं पता रौनक, मैं क्या कहूं क्या बोलूं। बस मैं उसका दिल टूटते हुए नहीं देख सकती, वो मेरे लिए बच्चे की तरह है। मैं हमेशा से उसकी माँ की तरह रही हूं, और जब वो उसकी जिंदगी के इतने खूबसूरत पड़ाव पे है, मैं बीच में नहीं आना चाहती हूं। मैं जूही से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, डैमिट, और तुम मुझसे। प्यार रिश्ता दोनों तरफ से होता है, दोनों की रजामंदी से होता है, एक तरफा नहीं। तुम नहीं जानते उसे रौनक, जब उसे पता चलेगा अपने प्यार के बारे में, वो नहीं हैंडल कर पाएगी ये सब। जस्ट बिकॉज शी कांट हैंडल इट डजंट मीन मैं अपने प्यार का सेक्रीफाइस करूं, डजंट मीन तुम अपने प्यार का सेक्रीफाइस करो। सब करके यू थिंक समहाउ यू आर हेल्पिंग हर? यू आर नॉट, यू आर ओनली कॉम्प्लिकेटिंग हर लाइफ, नॉट ओनली हर लाइफ, हम तीनों की लाइफ यार। ये सब करके ना मैं खुश रह पाऊंगा, ना उसे खुश रख पाऊंगा, और मैं जानता हूं तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। That's not fair, यार। ये प्यार में सैक्रिफाइस करना, जान देना, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। I don't believe in all this. It's bullshit.
हम उसे प्यार से समझाएंगे, she'll understand. मैं जानता हूँ थोड़ी थोड़ी पागल है, जिद्दी है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सेंसिबल भी है. एंड शी लव्स यू यार, समझेगी, वो तुम्हें मानती है बहुत, वो खुश होगी यार हमारे लिए. थोड़ी तकलीफ होगी उसे स्टार्टिंग में, बट टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा. शी अंडरस्टैंड, टाइम हील्स एवरीथिंग रूही, सब ठीक हो जाएगा. तुम नहीं जानते उसे रौनक, जो पता है वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी ये सब. वो ना बहुत ऑब्सेसिव टाइप्स है. उसे ना एक बीमारी है. वो हार नहीं बर्दाश्त कर पाती. हर चीज में बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाती है. और यू आर राइट, वो मुझे बहुत मानती है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, पर वो मुझे भी एक कॉम्पिटिटर की तरह देखती है. वो हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहती है. एंड इट्स ओके, उसे लगता है कि अगर वो दुनिया में मुझे हरा पाई ना, तो वो किसी को भी हरा सकती है. दिस इज सीरियस रोही, हमें कुछ करना पड़ेगा उसकी बीमारी का. कोई ट्रीटमेंट, लाइक लेट्स टेक हर टू थेरेपी और समथिंग. कुछ करना पड़ेगा यार, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए भी डेंजरस है. वी हैव टू डू समथिंग रोही. मैं कैसे मार सकती हूँ? मैं तो बहुत प्यार करती हूँ रौनक से, सबसे ज़्यादा. मैं उसे इतना प्यार करूँगी कि वो किसी को प्यार नहीं कर पाएगा. आपको भी नहीं. समझिए है ना रौनक? जलन, ईर्ष्या, जेलसी, ये भावना शायद उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मानव सभ्यता. इतिहास की गहराइयों से लेकर वर्तमान तक इसने ना जाने कितनी ही जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है. महाभारत से लेकर ना जाने कितनी और महाभारत इस धरती पर रची जा चुकी. लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन? इसको कैसे रोका जा सकता है? इतना बड़ा इमोशन, इतनी बड़ी भावना, यदि इसका इस्तेमाल हम सही तरीके से करें, राइट चैनलाइजेशन करें, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है. ईर्ष्या, जलन, जेलसी एक पहाड़ी नदी की तरह है
जिसकी गति का इस्तेमाल कर हम बिजली पैदा कर लोगों की जिंदगी रोशन कर सकते हैं। लेकिन यदि यही गति अनियंत्रित हो जाए, रौद्र रूप धारण कर ले, तो लोगों की जिंदगियां बर्बाद भी कर सकती है। हमारी इस कहानी में रूही जूही की परवरिश में यदि अपने प्यार के साथ थोड़ी सी जिम्मेदारी शामिल कर देती तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता था। हम अक्सर यही गलती करते हैं, हमारे नियर एंड डियर को कहीं बुरा लग जाए ये सोच के हम रुक जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहते और एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारी आंखों के सामने घट जाती है। और रौनक यदि अपने प्यार में थोड़ी सी समझदारी दिखाता, थोड़ा सा साहस दिखाता, एक निर्णय लेता और जूही को सब कुछ सच सच बता देता, तो जूही को एक इतना बड़ा गुनाह करने से रोक सकता था। लेकिन काश काश ऐसा होता। और जूही यदि इस बात को काश समय रहते समझ पाती तो असमय मुरझाने के बजाय उसकी खुशबू जूही के फूल की तरह चारों ओर फैल सकती। लेकिन काश ऐसा हो पाता। बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।